हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं और एक चिंता का विषय है जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है आप टाइटल देख सकते हैं और यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो शिक्षक वर्ग है उनके साथ एक धोखा किया जा रहा है, तो उस पर आज हम बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए सारी सुविधा होती है, सारी चीजें टाइम टू टाइम उनके साथ होती हैं, लेकिन जो शिक्षक वर्ग है उनके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? अगर आप देखें हरियाणा के अंदर वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं। वैकेंसीज का मतलब बोला जाता है, उम्मीद दी जाती है कि वैकेंसीज आ जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वैकेंसीज नहीं आती हैं। इसके बाद जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं DSSB के अंदर, काफी टाइम पहले वैकेंसीज निकली लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुई। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हर जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन आपने KVS में देखा, KVS में इतनी जल्दी काम कर दिया, मतलब सारी चीजें इतनी जल्दी और इतने कैंडिडेट्स ने वहां पे एग्जाम दिया, लेकिन DSSB के अंदर क्या सिस्टम है कि आप देख सकते हैं अभी इतने कम कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी इतने सारे रिजल्ट उनसे नहीं बने और अभी तक ज्वाइनिंग काफी, मतलब कुछ ही ज्वाइनिंग हुई है, अभी DB भी रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीजें हो रही हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिल्ली के जो हॉस्पिटल दिए गए हैं उनमें एक्सरे मशीन तक नहीं है। बच्चों को दूर दूर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं और उनको फिर वापस भेजा जा रहा है, तो ये क्या चीजें हैं? मैं केजरीवाल जी से जवाब चाहता हूं कि सर, ये आपकी दिल्ली है, आप लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये सारी सुविधाएं हैं, हमारी दिल्ली के हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, अच्छे हॉस्पिटल दीजिए ना टीचर्स के साथ, ये गलत क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहाँ पे मतलब आपकी सरकार ने गलत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये अच्छा काम आप करें ना, और भी काफी बदलाव की भी जरूरत है। अभी स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इनकी कंडीशन अभी भी काफी खराब है, आए दिन हम देखते हैं बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता। तो बात ये कि अभी हम बात करते हैं कि इतने दिन होने के बाद ये नहीं कि वैकेंसीज इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो सकती, हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, राजनीति। अगर ये सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी गई तो वोट कैसे मिलेगी लीडर्स को? इसके बाद बात हो रही है वैकेंसीज। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि वैकेंसीज आ तो गई हैं, पास हो गई हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वो वैकेंसीज है कहां गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बात ये नहीं कि वैकेंसीज आ नहीं सकती, एकदम आ सकती हैं, लेकिन अगर एकदम आ गई तो इलेक्शन से पहले क्या जवाब देंगे? मतलब इलेक्शन से पहले लोगों को कैसे बताएंगे कि हमने वैकेंसीज निकाली हैं? लोग भूल जाएंगे, फिर लोग उनको वोट नहीं देंगे। मतलब सारी चीजें ये है। और इस दौरान, इस दरमियान अगर कोई कैंडिडेट अगर ओवर एज होता है या उसका जो CTET है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उनको, देखो लीडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए क्या है। अब आयु सीमा की बात करते हैं, 30 साल PRT के लिए आयु सीमा है। और हम और जगह जाके देखें दिल्ली के अलावा तो वहां पे आयु सीमा बहुत ज्यादा है, लेकिन राजधानी के अंदर आयु सीमा इतनी कर रखी है। अब ये सोचने वाली बात है कि यार ये क्या सिस्टम है, मतलब राजधानी के अंदर। अब आयु सीमा आप लीडर्स के लिए भी करें, जो पॉलिटिशियन है, आपको लग रहा है पॉलिटिशियन तो 60 साल क्या 70-80 साल कोई भी मतलब पॉलिटिशियन है, और जो नॉर्मल पब्लिक है, जो टीचर वर्ग है, जो शिक्षक वर्ग है, जो पॉलिटिशियन बनाता है, जो इंजीनियर बनाता है, उसके साथ आप इतना गलत कर रहे हैं। तो देखो, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है और इस चीज के लिए हम सभी को आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन जो वैकेंसीज है, मैं बात बताता हूं आपको, वैकेंसीज पास हैं लेकिन वो वैकेंसीज किसी को पता नहीं कहां पे गायब हो गई। आप DSSB से पूछेंगे कि अभी हमारे पास आई नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि वैकेंसीज निकालें, अब चीजें कहां हैं? वैकेंसीज आएंगी लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ना, जो अभी पता चला है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्शन के आसपास ये निकालेंगे, लेकिन वो चीजें, ये सच्चाई जनता के सामने हम लाके रहेंगे
और ये वैकेंसीज पहले आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग अब आपकी राजनीति के बीच में नहीं पिसेगा। आप लोगों ने बहुत राजनीति कर ली इस चीज पे, ये चीजें अब नहीं होंगी। और जो ज्वाइनिंग है डीएसएसबी के अंदर, वो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाए। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग हो नहीं सकती, अगर ये चाहें एक दिन के अंदर, दो दिन के अंदर मेडिकल करा सकते हैं ये लोग। चलो एक दो दिन क्या, पांच दिन लगा लो, पांच दिन के अंदर सभी का मेडिकल करा सकते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन कराना नहीं चाह रहे। हॉस्पिटल ऐसे दिए जा रहे हैं जहां पे मशीन ही नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। यार शिक्षकों के साथ मजाक कर रहे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चीजें अच्छी लगें तो ये चीजें शेयर जरूर करें। और केजरीवाल जी, मैं आपसे यही जवाब चाहता हूं। देखो मैं हरियाणा से हूं और मैंने मतलब बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैं सोचता था कि यार दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें आपको देखनी चाहिए वो डीपली, और इसके बाद तभी दिल्ली अच्छी होगी, क्योंकि शिक्षा और हॉस्पिटल के मामले में अभी दिल्ली अच्छी नहीं है। और मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा में मुझे लगता है कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आप देखिए मतलब इतनी सारी वैकेंसीज इतनी जल्दी जल्दी गवर्नमेंट क्लियर कर रही है, 18,000 वैकेंसीज इतनी जल्दी क्लियर कर दी, तो मुझे लगता है कि यार बहुत बढ़िया काम कर रही है हरियाणा की गवर्नमेंट। तो यही है, आप लोग भी अच्छा काम करें तभी देश का विकास होगा। और मैं देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन ये कि हाँ देश का विकास जिससे हो उस पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। आप अच्छा करें आपको सपोर्ट, अगर कोई भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी अच्छा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो यही अपडेट है, यही आप लोगों के लिए बात है। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।